You want Mar? MRF Mar? बस हो गया ना, बोर हो गया ये सब देख के। म्यूजियम चले, हुक्का बार चले। तुम हुक्का पीती हो? आप नहीं पीते? मैं क्या, मेरी तो दादी भी पीती थी। और ये बच्चों वाला फ्लेवर नहीं, एप्पल चैपल असली। मेरे तो घर पे हुक्का भी है असली, बड़ा वाला। चलिए उसको पूछते हैं। अरे चलिए ना, मैं पूछ लूंगी, शर्माइए मत। चलिए स्माइल पकड़िए, पकड़िए ठीक से पकड़िए। हाँ स्माइल स्माइल, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, नाइस। हाँ दिल बना, दिल बनाओ, नाइस नाइस। आप कोक लेते हैं? तुमको पीना चक्कर आ रहा है? नहीं तो? वो आप पीने वाला नहीं, कोक। तुम वो भी करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं करती थी, छोड़ दिया फिर मैंने। मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मतलब मैं आपको जानने की कोशिश कर रही थी, जनरल वांडर ऐसे ही। एक भैया एक और फोटो लीजिए, ऐसे वाले लीजिए, वहां देखिए ना। बहुत लाइन थी वॉशरूम में, सानी औरतें ना वॉशरूम में भी तैयार होने लगती हैं। बैठोगे? नहीं नहीं आप बैठिए ना, आप बैठिए। स्मोक करते हैं आप? कभी कभी ओकेशनल। चाहिए? तुम सिगरेट? मैं हेजिटेट मत कीजिए, ले लीजिए एक, लीजिए। अभी पति पत्नी है ना हम, जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है, मिल बांट के ही तो जीवन चलाना है। लाइटर एक सेकेंड, रखिए रखिए चलिए। सिर्फ खाना ऑर्डर किया आपने, पीने के लिए? हाँ क्या पियोगी, मिरिंडा माजा? मिरिंडा और माजा? आप ड्रिंक्स नहीं लेते? लेता जिन। जिन तो लेडीज ड्रिंक है। आप विस्की नहीं पीते? तुम विस्की भी पीती हो? मेरे पापा विस्की पीते हैं ना। तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मेरे पापा जी की विस्की की कलेक्शन थी, तो मुझे लगा कोको कोला है, तो मैं कोको कोला समझ के पी गई। बस फिर तब से मैं थोड़ा थोड़ा विस्की पीती रही और उसे थोड़ा थोड़ा कोको कोला मिलाते गई। फिर पापा को लगता था कि वो बहुत बड़े शराबी हो गए, क्योंकि बॉटल में तो सिर्फ कोको कोला रहती थी और उनको चढ़ती बिल्कुल नहीं थी। मेरे फैमिली में बहुत ऐसे फनी किस्से हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पर आप पापा को कभी मत बोलना आप जिन पीते हो, आपको बहुत मजाक उड़ाएंगे। हमारे यहाँ जिन तो मतलब उससे ज्यादा किक तो मिरिंडा से लगती है। अब ये मत बोलना आप वाइन भी पीते हो। मेरे पापा बहुत हंसेंगे ये सुन। वाओ ये एयरपोर्ट पे ना मुझे बेबी आप देख के ही नहीं चल रहे हो सोना, यहाँ पे एक फोटो लेते ना प्लीज, यहाँ पे बहुत लाइट अच्छी आ रही है, वार्म लाइट्स। सच बोलूं बेबी मैं थक गई इतना पहन के चूड़ा सिए, हानी आपकी मम्मी भी ना चुभ रहा है यार यहाँ पे। आप आदमी लोगों को अच्छा है ना, देयर इज नथिंग टू वेयर, ओनली फुल हाथ फ्री, सब फ्री, कोई वजन कहीं पे ही नहीं है। चलिए चलिए चलिए। हाय बुकिंग फॉर मिस्टर एंड मिसेस छाबरा। आपकी बुकिंग डिटेल्स मिली? स्वीटू जानू हनी शोना दे आस्किंग फॉर बुकिंग डिटेल्स। कितने लोग आ रहे हैं? मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, वेरी फनी, हा 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 हा। बेबी उनको बुकिंग डिटेल्स चाहिए, वो आपके फोन में। नीचे रख दीजिए ना बेबी, वन सेकेंड जस्ट होल्ड। शाम को सनसेट बीच चलेंगे, वहां खींचना फोटो। जानू ये कौन सा बीच है अभी, आपने पहले नहीं बताया था, अब मैंने ये बीच के लिए कोई भी पैकिंग नहीं की है, अब पहले शॉपिंग चलो। चल चलो जानू यहाँ से मत, हनी यहाँ से लो, यहाँ से। हाँ अच्छी आ रही हो तो बताना, बाल सही है? इयररिंग्स आ रही है मेरी? हाँ। चूड़े आ रहे हैं पूरे अच्छे से? लिपस्टिक फैली तो नहीं है ना? दिखा दो ये। नहीं यार बैठ के लो ना, बैठ के लो, बैठ के लंबी आएगी फोटो, बैठ जाइए। और कैंडिड कैंडिड होना चाहिए, ऐसा लग रहा नहीं चाहिए कि मैं पोज कर रही हूं। और बैठ जाओ ना, ले थोड़ा उधर पीछे जाओ, उधर जगह उधर लेट जाओ। आप थ्री बोलना ठीक है, मैं थ्री पे घूमूंगी। वन टू थ्री।
क्या कर रहे हो? और नीचे से जाओ ना, पैर फैला के। हाँ पीछे, वो सैंड हटाइए हाथ से। हाँ सर, उस खट्टे में। हाँ मैं वहां देख लू, वैसे फोटो आने चाहिए सन की डायरेक्शन में। फ्राइड खाना खा के ना बेबी गैस बन रही है, मेरा पेट ही साफ नहीं हो रहा, मुझे पॉटी नहीं हो रही है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ जूस पीऊंगी। चलिए। नहीं बेबी, तो अभी कोई फायदा नहीं, आपको पहले से पता होनी चाहिए ना ये बात। और मैंने बताई है, ऐसा भी नहीं है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, दैट्स व्हाई। नहीं हनी, अभी सॉरी बोल के क्या फायदा? आप अभी सॉरी बोल रहे हो, अभी तो सब हो गया ना। आपको पता है मैं बिना शुगर के कॉफी पीती हूँ, फिर भी आपने एक ने आपने दो सैशेज डाल दिए उसमें। शादियों के चार दिन में वो ये हाल है, उसको जानते ही नहीं जैसे मेरे बारे में। कॉफी नहीं पीनी है यार। कल रात को भी खाना नहीं खाया था, पी लो ब्रेकफास्ट। मर जाऊंगी नहीं पीऊंगी तो। भूख नहीं है, बोल रही हूँ नहीं पीना है। सॉरी यार इंसान, मैं भी सही हूँ पर हालात गलत हैं। ये चोमू को मना किया था मैंने कि शादी से मना कर देना, कि कैसा मर्द है यार, एक रिवॉल्वर की नोक पे कौन हाँ बोल देता है? तो भैया थोड़ी सच में मार देते इसको। चोमू जैसी शक्ल बना के तरस खाता रहता है बस। हनीमून पे आए हैं ये मेरे साथ। क्या कर रहे हो? ये अच्छा लग रहा है तुम पे ये कलर। हाँ ठीक है। नहीं पसंद है तो रख देता हूँ। बोल दिया ना, ठीक है। नहीं ऐसा मुंह बना के बोल रही थी तो। मेरा मुंह ऐसे ही रहता है 24 घंटे। बोल दिया ना अच्छा लग रहा है, अब पहन के उसको नाच के दिखाऊंगा तुमको। करना बंद करो लोगों के सामने। अरे यार ये क्या मेंढक की तरह घूरता रहता है जब देखो मुझे चोमू कहीं का। गुस्सा तो इतना दिलाता ना, मन करता है शाहरुख खान बनके सीमा सीमा बोल के बिल्डिंग से ढकेल दूं साले को। नहीं कंट्रोल उदय, कंट्रोल। बस आज रात की बात है, रात को रॉकी आएगा उसके साथ मैं भाग जाऊंगी बस। फिर ये मेंढक पड़ा रहे अपने कुएं में गोबर जैसी शक्ल का। भाई साहब एक फोटो खींच दो। हाँ थोड़ा पास में आओ, पास में आओ। आज चलो चुपचाप फोटो खींचो, डब्बू रत्ना नहीं बन रहा बड़ा। एक मिनट। हाँ अच्छी आ गई, थैंक्स। मम्मी जी ने एक फोटो मांगी है, तो भेज दो। हमारी फोटो मांगी है साथ में सेल्फी। खींचो। फोन रखो ऐसे, खींचो स्माइल। खींचो बिना स्माइल के भी अच्छी यार। सॉरी। हो गया फोटो वोटो, मैं काम करूं। फिल्टर लगाना भूल गया, बाद में भी लग सकता है वो। क्या है? कॉटन डाल रही थी कान में। क्यों? हवा चल रही है, आपने स्वेटर वगैरह भी नहीं पहना है, आप ठंड लग जाएगी। तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, हवा लग जाएगी आपको, ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा फिर। नसीब खराब है, तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। जाओ काम करो अपना। रोना धोना किस बात का? और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रोना ही आएगा। डाल डाल वो कान में भी, एक कान से भी आवाज आ सकती। क्या करना चाह रही हो? सारे मैरिड कपल हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो मैंने सोचा हम भी मैरिड कपल हैं तो तो जो सब कर रहे हैं वो हम करें, लिखा है ऐसा मैंने नहीं, तुमने फिर सॉरी। ये लो पकड़ो, छोड़। हेलो, डिसाइड हो गया क्या खाना है? आपको जो खाना है वो मैं वो ही खा लूंगी। मैं चाइनीज खाऊंगा, चलेगा तुमको? हाँ आपको हाका नूडल्स खाना है तो मैं भी हाका नूडल्स ही खा लूंगी। बेटा एक हाका नूडल, बाकी का ऑर्डर मैं बाद में देता हूँ। जब देखो हाका पाका, पनीर टिक्का खाते ना, यहाँ पे पनीर टिक्का फेमस है।
कुछ पीना है? पानी। पानी स्प्राइट। आपको थम्स अप पीना है तो मुझे भी थम्स अप पीना है। मैंने कहा मुझे थम्स अप पीना। मुझे लगा आपको थम्स अप। यहाँ है, चाय लेने गए हैं। सिंगदाना और चाय खा रहे हैं बस। हमको बहुत नवा नवा लग रहा है यहाँ पे। हम कभी ऐसे आए नहीं ना, हमारे यहाँ अभी अभी शुरू हुआ है। हम दूसरी लड़कियाँ जो हनीमून पर आई है, पर ये बहुत अच्छे हैं, इनका पूरा परिवार सही है। हमारा तो पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुआ है दरभंगा में, हम कभी बाहर गए नहीं गांव से। बचपन में बड़े पापा हमको लेकर गए थे कुंभ का स्नान कराने, पर हम नाक बंद करके डुबकी नहीं मारते हैं, वो मार ही रहे थे। तब तक बड़े पापा निकल गए तो सोचे कि हम खो गए हैं। तो दो दिन बाद हम मिले तब हमारे पापा हमको बहुत लपी आए थे, बोले तुम घूमने गई थी तो घूम ही गई थी। तब से हम लोगों को जो है घर से नहीं लेके जाते हैं, घुमाया नहीं जा रहा है। अब शादी के बाद पहली बार इतना दूर आए हैं गोवा। हम बहुत मना किए थे, बोले काहे इतना पैसा जो है खर्च हो रहा है, तो कहाँ जाने का जरूरत है, जो यहाँ होगा घर पे हो जाएगा, बाद में आ जाएंगे। हम तो कह रहे थे अम्मा को भी ले चलते हैं, वो भी घूम लेती हैं थोड़ा, वो भी कभी नहीं गई है ना बाहर। तो ये बोले धत पगले, ऐसा थोड़ी होता है, दो ही जन जाया जाता है। अच्छा है, बहुत पानी है। पानी तो हमारे उधर भी है, नदी वदी बहता है, बहुत अच्छा सुंदर लगता है। कॉलेज वॉलेज जाते थे ना तो वहीं बैठ के हम लोग चना मकई दाना इको हम सब खाते थे वहाँ पे। यहाँ का खाना हमको अच्छा है, जो चारे मिल जा रहा है, दाल चावल वगैरह है, पर हर जगह अच्छा नहीं मिल रहा है। एक जगह तो असली में बड़ा केकड़ा ला के दे रहा है, कह रहा है खा लीजिए। हम तो शाकाहारी हैं, हम नहीं खाए हैं। इनको बड़ा शौक है घूमने फिरने का। शादी से पहले हमको बताए थे तो हमको कह रहे थे कि गोवा ले जाएंगे तुमको घुमाने। पिक्चरों में देखे थे गोवा, हम नहीं सोचे थे कभी आएंगे। हमको तो कह रहे थे विदेश लेके जाएंगे, हम तो डरा गए, हम नहीं जा सकते। हमारा मन ही नहीं करता घूमने फिरने का, हम घर में ही सही है। हम बस घर में कर लेंगे, हम कोचिंग में पढ़ा लेंगे, हमारा बस उतना ही सही है। पर अच्छी जगह है। अब ये बोले देखो तुमको कैसा घुमक्कड़ बना देंगे, इनके साथ बहुत घूमना पड़ेगा। हम आ रहे हैं, गर्म है, हम आ रहे हैं। चाय गर्म है, उनका हाथ जल जाएगा। आकाश, हमारी नई शादी हुई है ना आकाश, ये लंबा सा है, लीन बॉडी पर पेट बाहर है उसका, ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी है, हल्की सी फ्रेंच बियर्ड रखता है, गले में निकॉन का कैमरा टांग के घूम रहा है। यही ना यार, क्या है भैया, हम क्या ये एनिमल प्लैनेट के प्रोजेक्ट पर आए हैं? नहीं ना, हम हनीमून पे आए हैं, तो हमें अभी इंजॉय करना चाहिए, ड्रिंक विंक करना चाहिए। तो ये नहीं, अपनी हॉट सी बीवी को छोड़ के पता नहीं जंगलों में कहाँ घूम रहा है। पति है टार्जन। अभी मैं डीजे को अपना प्लेलिस्ट देके आई हूँ, अब वो वेट कर रहा है मेरे, अब मैं जाके नाचूं अपने गानों पे कि अब मैं अपने पति को ढूंढने निकली हूँ। अक्षय काश, कहाँ है? आपके पति का नाम है? हाँ तो मुझे पता है, चिल्ला तो ऐसे जैसे मिल गया। आकाश, आकाश सैराडोन नहीं खाऊंगी यार, उससे मेरे को उल्टी होती है, बहुत सर दुख रहा है यार। आप भी अपने हनीमून पे आए हो? मैं भी। मेरी और आकाश की शादी भी पिछले महीने हुई थी 4 तारीख को। नहीं हमारी लव मैरिज नहीं है, नहीं नहीं हमारी अरेंज मैरिज भी नहीं है, हमारी शादी है ना स्कैम वाली शादी है। हमने पूरा बना दिया अपने माँ बाप को दोनों ने मिलके, इन लोगों को लग रहा है कि उन दोनों ने हमारी शादी कराई अरेंज, पर हमारी अरेंज नहीं है। हम तो पहले से एक दूसरे को जानते थे, पर हमने viva.com पे अपनी अपनी प्रोफाइल बनाई और फिर अपने अपने पेरेंट्स को बताया कि अरे ये प्रोफाइल तो अच्छी है। जैसे मैंने बोला कि देखो अक्षय इसकी प्रोफाइल अच्छी है, आकाश, हाँ आकाश की प्रोफाइल और किसकी। फिर हमने प्रोफाइल पसंद करा लिया, फिर हमने सोचा अब हम अपने माँ बाप को भी मिलवा देते हैं। तो हमने असली में मिलवाया और हमने पेरेंट्स की शादी करा दी। और फिर हम हनीमून पे आ गए। अब हम बहुत प्लान करके आए हैं, बहुत गर्म है इसलिए जल्दी जल्दी कह रहे, नहीं तो जल जाएंगे। हमारी दीदी हैं कैप्टन निकवा, उनको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बहुत अच्छा जो है वो कार्यक्रम बनाती हैं।
सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे हैं उसको बजा दिए बजा दीजिए, और जो है अपने बातें लिख दीजिए कि कौन क्या आपको कैसे अच्छा लगता है। ठीक है नमस्ते। मैं ना डर जाऊंगी खुद की हंसी से एकदम। अरे डोंट लाफ, आज के खत्म कर लेते हैं। चलो रोलिंग एंड फाइट। ऐसा काम दुश्मनी निकाल जो सब करेंगे वो हम करें। ए भाई क्या जवानी है तुमने, जमुना नगर आओ यहाँ चलो फुगली खेलते हैं ना प्लीज। हाँ आपको एक लेना पड़ेगा। हमने मिल गया कॉटन, निकाल दूंगी वापस अंदर में। ऐसा सब नहीं करना। ए बबली कहाँ से लाए इसको? अरे 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 तो लाएगा कर। शाम को सनसेट कैसे हुआ अभी जब नकली एक्शन निकालना पड़ रही है।